पिक्चर्स उनको बोला कुछ सेट करो पिक्चर से थोड़ा बहुत बट क्योंकि इधर 4D एलिमेंट किया था सो देन रेपोसर डिजाइन द होल लाइट एंड स्टेज एंड एवरीथिंग एंड पॉन्स वाज आई थिंक अ पार्टनर ऑफ द फिल्म फ्रॉम बिफोर ओनली उन्होंने बहुत मदद की हम लोग की एंड बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार मैंने 4D स्टेज पे परफॉर्म किया मेरे हिसाब से किसी ने इंडिया में इसके पहले 4D स्टेज पे नहीं किया जी और रेमो सर जैसे कि आज हर एक इंसान को इंट्रोड्यूस किया गया जिस तरह से तो ये एक किस तरह से ये किया था जी बहुत अच्छी बात है एक्चुअली फिल्म की कास्ट करना चाहिए लेकिन अच्छा लगा कि आज हमारे साथ कुछ लोग कुछ एक्टर थे जो यहाँ आ सके और उनका इंट्रोडक्शन हो पाया लेकिन ये फिल्म सभी लोगों की है तो अच्छा लगा कि वो लोग आया एक्चुअली हम लोग जो प्रमोशन स्ट्रैटेजी हमारी हम लोग ये कर रहे हैं कि पूरे दुनिया तक हम लोग पहुँचे तो आईफा चल रहा है तो हम लोग ने ये बोला कि हम लोग श्रद्धा और लॉरेन को आईफा पे भेज देते हैं मलेशिया और इंडिया का हम लोग संभाल लेंगे एंड जैसा था कि लाइक सर सेड कि दूसरे जो कैरेक्टर्स थे हम लोग एक बाय एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे प्रभु सर का गाना आया था हैप्पी आर जो काफ़ी चला है और अभी हम लोग ने राघव और सुशांत और धर्मेश को आज किया डिड एक्सेलेंट लाइक एवरीवन सॉ और उनकी खुद की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और पुनीत और ने इंडियाज गॉट टैलेंट पे हमारे साथ परफॉर्म किया सो स्लोली स्लोली हम लोग क्योंकि ये एक्चुअली एक एनसेंबल कास्ट फिल्म है ये कोई एक हीरो या हीरोइन की फिल्म नहीं है एंड हम लोग जिधर भी जाके प्रमोट कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं श्रद्धा एंड लॉरेन आर प्रमोटिंग वरुण अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर अंडर द स्कैनर दिस डेज बिकॉज़ ऑफ द एंडोर्समेंट लाइक अमिताभ माधुरी व्हाट डू यू हैव टू से शुड सेलेब्स बी हेल्ड लायबल व्हेन एंडोर्समेंट गो आई डोंट थिंक दैट दे शुड बी हेल्ड लायबल बिकॉज़ देन इन दैट सेंस इवन द डायरेक्टर डायरेक्टिंग द एड और द प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन का ऑर्डर लेता है या जो लाइट मैन लाइट देता है एवरीवन शुड बी हेल्ड लायबल don't only hold a celebrity liable and I feel yeah to some extent they might say oh celebrity hai so they are running away from it and I've heard the arguments on the news channels and stuff like that they make for very interesting news and very interesting stuff sometimes to read but it's unfortunate what's happening and we don't want anyone from the country to be harmed so if a product is harming anyone and especially the children of our country then please they should not be allowed to sell.